हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस नीट पीएमटी आईआईटी जेईई मेंस इन एडवांस। माई सेल्फ बलवीर सिंह, केमिस्ट्री टीचर, योर फ्रेंड। आज हम केमिस्ट्री क्लास के अंदर हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स पर बात करने वाले हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ कंपाउंड की स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, उनकी एग्जिस्टेंस वगैरह को लेके प्रॉब्लम्स रहती हैं। बच्चे यही डिसाइड नहीं कर पाते कि कंपाउंड एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, पॉसिबिलिटी है इस कंपाउंड की, सिर्फ पेपर पर लिखा हुआ है तो हम उससे डिसाइड कर लें कि ये कंपाउंड पॉसिबल है, लिखा हुआ है तो ये कंपाउंड होगा ही होगा। ऐसा नहीं होता। इस चीज़ को जानने के लिए मैंने कुछ प्रयास किया आपको बताने के लिए। आज के वीडियो में मेरा टॉपिक यही है कि स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड कैसे डिसाइड करें, वो कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है। तो मेरा यही तरीका है आज कि टू डिसाइड विच कंपाउंड इज मोर स्टेबल और लेस स्टेबल, टू डिसाइड विच कंपाउंड विल एग्जिस्ट और विच कंपाउंड नॉट एग्जिस्ट, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। इसको मैंने क्लासिफाई करने के लिए कुछ टाइप्स डिसाइड किए हैं, उन टाइप में डिसाइड करेंगे। आगे टाइप्स को डिसाइड करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो की लिंक अपने क्लासमेट्स, दूसरे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे उनकी जो केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है उनकी भी सॉर्ट आउट हो। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो, स्टेबिलिटी डिसाइड करने का जो पहला तरीका है, टाइप वन। टाइप वन में मैंने क्या बताना चाहा है उस चीज़ को देखो कि जैसे वो टाइप क्या है जब हम स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए। पहला टाइप है स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन स्टेट। अगर किसी कंपाउंड के अंदर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल आइटम है या उसका जो मेन एलिमेंट, जो हमारा मेन एलिमेंट होता है सेंट्रल मेटल आइटम में होता है, अगर उसकी ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल है तो वो कंपाउंड भी स्टेबल होगा। अगर उसकी ऑक्सीजन स्टेट अनस्टेबल रहती है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, स्टेबल बहुत अनस्टेबल है, तो उस कंपाउंड में वो अनस्टेबल रहेगा। तो देखो, इसको एक एग्जाम्पल से मैंने बताया है। जैसे क्या बताया, TiCl, जो TiCl है, यानी सॉरी थैलियम, TiCl है, थैलियम क्लोराइड, TiCl है, TiCl, तो थैलियम क्लोराइड, जो थैलियम क्लोराइड है वो मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू थैलियम ट्राईक्लोराइड, क्योंकि Tl की प्लस वन ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, मोर स्टेबल होती है, ठीक है, किससे, प्लस थ्री से। अब ये क्यों होता है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करके चलूँ कि आप जब बोरोन फैमिली के अंदर जाते हैं, जैसे बोरोन फैमिली किस तरीके से, जैसे बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, तो इधर नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डी और एफ में एंटर करता है तो इनर्ट पेयर पुअर हो जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या हो जाता है, इनर पेयर इफेक्ट हमारा कहेंगे तो बढ़ जाता है, सिबलिंग पर पुअर हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो इनर पेयर इफेक्ट बढ़ने की वजह से, सिबलिंग पर पुअर होने की वजह से और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, जो NH सबसेल इलेक्ट्रॉन है, इवन NP सबसेल इलेक्ट्रॉन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बेसिकली आप अलग से वीडियो देखिएगा मेरा, उसमें आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट मिलेगा, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अंदर डिस्कस करेंगे तो वहाँ आप वीडियो देखेंगे उसको, तो उसमें मिलेगा। अगर वीडियो नहीं है तो मैं जल्दी से उसको अपलोड करूँगा और दूंगा आपको। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है वो अलग से समझें। तो यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं जानते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी क्या होगा कि वैसे किसी भी ग्रुप के अंदर, जैसे बोरोन फैमिली है, बोरोन एल्युमिनियम थैलियम, तो जब किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप नीचे चलते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करता है, एफ में एंटर करता है, उसका सीलिंग इफेक्ट पूरा हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है और NS और NP सबसेल इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के मोर पेनिट्रेट कर जाते हैं। जब न्यूक्लियस के मोर पेनिट्रेट कर जाते हैं तो उस केस में NS सबसेल का इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ इवन P
सब सेल के ही, और बहुत कम पी सब सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो इसी इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, इस टाइप के इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ टी आई सी एल, ये टी आई सी एल है, ये क्या है, मोर स्टेबल है टी आई सी एल थ्री से। क्यों? टी एल का प्लस वन ऑक्सीजन स्टेट मोर स्टेबल है एज कम्पेयर ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है हम जान रहे हैं। ठीक है, ये मैंने अभी थोड़ा डिस्कस किया है, उस चीज को देखो। सिमिलरली बी आई सी एल थ्री क्या है, मोर स्टेबल है देन बी आई सी एल फाइव, क्योंकि बी आई का प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। बी आई का प्लस थ्री मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू बी आई का प्लस फाइव ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि प्लस थ्री मोर स्टेबल होता है और प्लस फाइव लेस स्टेबल होता है। जैसे ये हमारा किसका है, यानी कि ये कार्बन फैमिली, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड, और हमारे नाइट्रोजन फैमिली नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ। तो जब बिस्मथ हमारा ये प्लस थ्री, ये इसका प्लस थ्री एक्सचेंज करता है और प्लस फाइव एक्सचेंज करता है, तो प्लस थ्री ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि बी आई का जो बी आई का जो हमारी ऑक्सीजन स्टेट है बी आई प्लस थ्री ज़्यादा स्टेबल है और बी आई का प्लस फाइव लेस स्टेबल है। इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर है? ये चीज़ें हमारी कभी कभी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से भी मैच कर जाती हैं। किससे? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से भी मैच कर जाती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट पेयर इफेक्ट भी नहीं, कभी कभी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी से भी मैच करती हैं। तो ये ध्यान रखें, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। ये जो तीसरा एग्जाम्पल है, जो मैं तीसरा एग्जाम्पल, जैसे सी एल थ्री और ये हमारा एग्जिस्ट करते हैं, जबकि सी आर सी एल टू ये हमारे एग्जिस्ट नहीं करते। तो क्रोमियम का प्लस थ्री, जैसे हमारा क्रोमियम का क्या होता है, क्रोमियम में जैसे हम कहें तो क्रोमियम प्लस थ्री एग्जिस्ट करता है और Mn का प्लस टू स्टेबल है। ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी से, जबकि क्रोमियम का प्लस टू एग्जिस्ट नहीं करता और Mn का प्लस थ्री एग्जिस्ट नहीं करता है इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की वजह से। तो इसका मतलब क्या है कि हम ऑलवेज इनर्ट को इफेक्ट को लेके चलें ये नहीं, तो तीसरा हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी की वजह से भी हमारा होता है। तो ये हमारा एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, बट ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट के बेसिस पे हमने टाइप वन, तो ये टाइप वन जो मैंने बताया, टाइप वन जो बताया स्टेबिलिटी, तो ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल होगी किसी कम सेंट्रल एटम का किसी कंपाउंड के अंदर, तो वो कंपाउंड स्टेबल होगा। अगर ऑक्सीजन स्टेट अनस्टेबल होगी, ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस में वो कंपाउंड क्या हुआ। तो इसके रीजन एक तो मेन इनर्ट पेयर इफेक्ट है और दूसरा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसी मेटल आयन का स्टेबल होता है तो वो भी हमारा क्या होता है, एग्जिस्ट करती है ऑक्सीजन स्टेट। क्लियर है? एग्जिस्ट करती है। क्लियर हुआ? तो ये टाइप वन मैंने बताया। अब हम टाइप टू की बात करेंगे। टाइप टू के अकॉर्डिंग, यानी कि टाइप टू में जो बताया, जो उसके अंदर मैं किस कंपाउंड की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, उस चीज को देखें। तो टाइप टू में मैंने बताया है कि कौन से कंपाउंड स्टेबल हैं और कौन से कंपाउंड अनस्टेबल हैं। तो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द बॉन्डेड एटम और द सेंट्रल एटम, यानी कि जिन के अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हैं, जिनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है तो वो कंपाउंड कम स्टेबल होते हैं या इवन एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो यानी कि हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गेट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन गेट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। एटॉमिक साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम शुड बी स्मॉल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम शुड बी हाई, और न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम शुड बी क्या, और साइज शुड बी स्मॉल। हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और जो साइज है उसका सेंट्रल मेटल एटम का स्मॉल होना चाहिए। तो इस केस में वो क्या होंगे, वो कंपाउंड जो बॉन्डेड एटम साइज छोटा है बॉन्डेड एटम का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और सेंट्रल मेटल एटम का या सेंट्रल एटम का हमारा साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो स्टेबल ज़्यादा कंपाउंड प्रोवाइड करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताऊँ एग्जाम्पल देखे, जैसे टी आई एफ थ्री इज मोर स्टेबल देन टी आई सी एल थ्री। तो बिकॉज टी आई एफ थ्री के अंदर जो टी आई एफ बॉन्ड है उसकी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है,
क्या होता है, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ दिस इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू दिस टीआईसी है। क्यों? क्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किससे? क्लोरीन से। तो ये तीनों में से जो मैंने पॉइंट बताए, इनमें से कम दो तो जस्टिफाई करने चाहिए, कम से कम दो जस्टिफाई करनी चाहिए। तो वो क्या होगा, कंपाउंड स्टेबल होगा और कम स्टेबल होगा, इस चीज़ का हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। क्लियर है? टाइप वन, टाइप टू के अंदर मैंने जो बताया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली देखो, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, इसको भी जरा देख लेते हैं। जब इस एग्जाम्पल की बात आती है तो BiF5 इज मोर स्टेबल देन BiCl5, क्योंकि फ्लोरिन का साइज छोटा है एज कम्पेयर टू क्लोरिन। तो BiF बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी BiCl के कंपेयर में। ऐसे ClF5 और BrCl5, तो इसमें फ्लोरिन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इनमें इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, वही फ्लोरिन का साइज छोटा होने की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से। क्लियर? यानी कि जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो क्या है, उस चीज़ को ध्यान से समझे। जैसे आपसे मैं कहूँ कि BiF है, अब BiF है तो यानी कि देखो F है और ये F है, तो इनकी और यहाँ BiCl, तो यहाँ क्या है, साइज बड़ा होने की वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन कम हो जाएगी, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन की एनर्जी की वजह से ऐसा हो रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने क्या हुआ, तीन एग्जाम्पल दिए टाइप टू के अंदर। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो ये टाइप टू स्टेबिलिटी हम किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, तो ये टाइप टू के अंदर मैंने बताया टाइप टू स्टेबल कंपाउंड कौन से होते हैं जिनमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होने के लिए एटॉमिक साइज ऑफ बॉन्डेड एटम शुड बी स्मॉल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम शुड बी हाई, और न्यूक्लियर चार्ज और सेंट्रल न्यूक्लियर एटम शुड बी हाई, और क्या होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए, तो बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल बनेगा। अब जैसे हम देख लेते हैं, जैसे क्या और भी मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे ये मैंने बताया। अब जैसे हम क्या कहते हैं कि कभी बॉन्ड, जैसे BiBiI5, ये मैं कभी नहीं लिखा हुआ देखता कंपाउंड को, ये क्यों नहीं, मतलब बिस्मत पेंटा हेलाइड, यानी कि BiCl5 बन जाता है, BiF5 बन जाता है, BiBr5 भी बहुत कम एग्जिस्ट करता है, और ये तो मैं पेपर पर कभी लिखा ही नहीं देखता। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, BiF5, फिर के उसके बाद BiCl5 कम स्टेबल है, BiBr5, यानी कि स्टेबिलिटी की बात करें तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और किसकी कम है, तो BiF5 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, BiCl5 उससे भी कम स्टेबल है, और उससे सबसे कम स्टेबल कौन है, BiCl5। बेसिकली ये तो पेपर में एग्जिस्ट भी नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट। क्यों? तो स्टेबिलिटी हम किसके बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बेसिस पर हम डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे सपोज मैं BF तो ज़्यादा स्टेबल होगा, BCl3 कम स्टेबल होगा, कम स्टेबल और BI3 सबसे कम स्टेबल। तो ये स्टेबिलिटी हम ऐसे ऑर्डर डिसाइड करते हैं, तो ये किस तरीके से करते हैं, तो ये भी हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बेसिस पर ही, क्योंकि हमारा बॉन्ड एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती चली जाएगी, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती चली जाएगी तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, इसका मतलब ये कम स्टेबल होगा और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस भी क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं, मैंने ये स्टेबिलिटी के लिए जो मैंने बताया, जैसे ये हमने इसके तो दो मैंने एग्जांपल दी, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, बना देते हैं कंपटीशन में, किसी भी तरह के क्वेश्चंस डिजाइन किया जा सकता है, जिसे ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो चीज़ें जो मेरे लिए कुछ वीडियो इस तरीके के हैं कि ये आप रखेंगे, ये चीज़ें आप सीखेंगे, इनको देखेंगे, तो आपको कंपटीटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। इस तरीके के क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन भी आपको मिल जाए इस तरीके के क्वेश्चन, तो बहुत ही आसानी से प्रिडिक्शन हो जाता है और सही ऑप्शन चूज करने में हेल्प होती है। क्लियर? अब हम बात करेंगे तीसरा टाइप का, यानी कि तीसरा टाइप में हमारा कंपाउंड की स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी या एग्जिस्टेंस
होगी या नहीं होगी, इस चीज़ को भी आप क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए क्या करना है, तो मैं टाइप थ्री के बात कर रहा हूँ, एग्जिस्टेंस एंड इन एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपाउंड ऑन द बेसिस एबिलिटी ऑफ नॉन एबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन द बैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कुछ कंपाउंड के अंदर क्या होता है, डी सबसेल अवेलेबल ही नहीं होती, वो कंपाउंड बना के दिखाते हैं पेपर पर लिख दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम क्या है कि कंपाउंड सेंट्रल एटम एटम है तो उसके अंदर डी सबसेल है या नहीं है, तो इससे भी स्टेबिलिटी का हम पता लगा सकते हैं, एग्जिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। एग्जिस्टेंस के लिए जैसे पी सी एल फाइव एग्जिस्ट करता है और एन सी एल फाइव एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अगर ये प्लस फाइव दिखाई दे रहा है, प्लस फाइव यहाँ पर भी है फॉस्फोरस का भी, तो ऑक्सीजन शीट के बेसिस पर हम नहीं कह सकते ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट हम किसके बेसिस पर कर रहे हैं कि इसके अंदर डी सब सेल है, इसके अंदर डी सब सेल नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज फॉस्फोरस ऑफ पी सी एल फाइव हैज वैलेंट वेब डी ऑर्बिटल्स सो दैट इस ऑक्टेट कैन बी एक्सटेंड बाई गेटिंग एस पी थ्री डी, और हमारा एस पी थ्री डी तक जा सकता है, तो हमारे दूसरे कंपाउंड की भी एग्जिस्टेंस हो सकती है, जबकि नाइट्रोजन के पास एब्सेंस ऑफ डी सबसेल है। तो एब्सेंस ऑफ डी सबसेल उसका ऑक्टेट क्या नहीं कर सकता, एस पी थ्री डी हाइब्रिडेशन गेट नहीं कर सकता और उसकी ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं कर सकता, इसीलिए पी सी एल फाइव एग्जिस्ट करेगा और एन सी एल फाइव नॉट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन हैं, ये बोर्ड के भी क्वेश्चन हैं, कंपटीशन के भी क्वेश्चन हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको कंपटीशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है। इसी तरीके से मैंने कुछ एग्जाम्पल और दिए हैं, इस चीज़ को देखो, डी सब सेल की एबिलिटी और अनएबिलिटी की वजह से जो कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनके लिए मैंने और भी एग्जाम्पल दिए हैं, उनको जरा देखो। तो दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया है सिमिलरली एस एफ फोर और एस एफ सिक्स इज एग्जिस्ट बट ओ एफ फोर और ओ एफ सिक्स नॉट एग्जिस्ट। दूसरे एग्जाम्पल में देखो, क्योंकि इन सल्फर के पास बैलेंस वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, तो इसका हाइब्रिड एस पी थ्री डी और एस पी थ्री डी टू बना के इसका एस पी थ्री डी आएगा, इसका एस पी थ्री डी टू आएगा, एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन के पास तो क्या नहीं होता, डी सबसे डी डी ऑर्बिटल ही नहीं होता, क्योंकि हमारा देखो किस तरीके से नहीं होता, जैसे हम ऑक्सीजन सल्फर हम इसके बात कर ऑक्सीजन सल्फर, तो देखो सल्फर है तो यानी कि 1H2 2H2 2P6 3H2 और 3P4 इस तरीके से होता है, तो इसके आगे 3D खाली पड़ा रहता है, लेकिन ऑक्सीजन के पास का तो 1H2 2H2 और 2P4 इतना ही होता है, तो इसके आगे 2D नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता, तो इसमें डी सबसेल एग्जिस्ट करता है। तो जिनमें डी सबसेल एग्जिस्ट करता है उनका हाइब्रिड स्टेट एस पी थ्री डी और एस पी थ्री डी टू करके एक्सटेंड कर सकता है, ऑक्सीजन ऑक्टेट जो ऑक्टेट एक्सटेंड कर सकता है, जबकि ऑक्सीजन के पास डी सबसेल नहीं है तो उसका ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं कर सकता। सिमिलरली क्या है, सी एल एफ फाइव और सी एल एफ थ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं और सी एफ सी एल थ्री एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें एफ क्योंकि एफ के पास डी सबसेल नहीं है, ठीक है, डी सबसेल नहीं है तो इसका ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं कर सकता, एस पी थ्री डी एस पी थ्री डी टू ऐसे गैप नहीं कर सकता, तो इसका भी सेम ये बोरोन इज अनस्टेबल फॉर्म, यानी क्या होता है फॉर्म ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है कहाँ स्टेबल नहीं होता, जबकि ये बना सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि बोरोन के पास क्या है, एबसेंस ऑफ डी सबसेल है और इसके पास डी सबसेल है, तो इसका ऑक्टेट कैन एक्सटेंड कर सकता है इसका और इसका नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये भी एक हमारा रीजन है। तो देखो यहाँ हमारे जो टाइप थ्री के अंदर स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी बताने के लिए मैंने किन चीज़ों का सहारा लिया, आप देखिए एबिलिटी ऑफ डी सबसेल, यानी कि एबिलिटी ऑफ डी सबसेल है सेंट्रल एटम के साथ तो उसका ऑक्टेट एक्सटेंड कर सकता है बाई गेटिंग एस पी थ्री डी एस पी थ्री डी टू हाइब्रिड गेट करके एक्सटेंड कर सकता है, जैसे मैंने यहाँ रीजन पूरा लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान देखें, वही सेम कॉपी दूसरे के लिए तीसरे के लिए चौथे के लिए कॉपी करना है, रीजन में कॉपी करना है, रीजन में वही रीजन है, सिर्फ कंपाउंड का नाम चेंज कर देना है, क्लियर है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी पहचानने के लिए, कोई कंपाउंड स्टेबल कब होगा अनस्टेबल कब होगा, इस चीज़ को जानने के लिए, ठीक है जी। टाइप थ्री समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
तो ये मैंने टाइप थ्री के बारे में बात किया। अब मैं बात करूंगा टाइप फोर। टाइप फोर हमारे कुछ कंपाउंड हैं, कुछ एग्जिस्ट करते हैं और नहीं भी करते, या स्टेबल हैं या नहीं है। तो ये टाइप फोर का टाइप है, मैंने टाइप फोर की स्टेबिलिटी एग्जिस्टेंस को बताया। तो एग्जिस्टेंस और इनएग्जिस्टेंस ऑफ द कंपाउंड ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन होने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। देखो एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाला इंपॉर्टेंट है, एबिलिटी ऑफ डी सब सेल वाला इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट की, ये हमारे जितने भी पॉइंट बताए हैं सभी पर कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो ये पांच मैंने पॉइंट बता रहा हूँ, पांच पॉइंट पे स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। तो देखो दी एग्जिस्टेंस और इनएग्जिस्टेंस ऑफ द कंपाउंड ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द बॉन्डेड एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। तो देखो SF6 ऑलवेज एग्जिस्ट कर सकता है और ये एग्जिस्ट कभी नहीं करता। क्यों? इसमें हमारा फ्लोरीन जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्मॉल साइज है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। तो जो हमारा अगर मैं इसके अंदर देखूँ, यानी कि किसके अंदर, यानी कि इसके सल्फर जो आपका ये मैं जो ले रहा हूँ SF6, तो इसकी ऑक्सीजन प्लस सिक्स है, ठीक है। और जो HA SH6 तो इसकी भी प्लस सिक्स होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ज़्यादा ये हाइड्रोजन ही है अगर हम देखें तो ये एग्जिस्ट करता है, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, किसकी, सल्फर की, सॉरी फ्लोरिन की, फ्लोरिन की ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा। तो इसलिए सल्फर को प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर सकता है। देखो ऑक्सीडाइज यानी कि सल्फर के इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ कर रहा है, फ्लोरिन, तभी तो प्लस सिक्स आ रहा है। और इसमें भी प्लस सिक्स को करना चाहिए बट ऐसा हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हाइड्रोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती, उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो बिकॉज फ्लोरिन का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ड्यू इट्स एज इट्स ऑक्सीडाइज द सल्फर टू फॉर्म हाई ऑक्सीडेशन कंपाउंड लाइक दिस, ठीक है जी। वाइल हाइड्रोजन की जो क्या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या नहीं कर सकता, वो इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता बट रिड्यूस कर सकता है। तो इसीलिए क्या नहीं होगा, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका रीजन ये हमारा लिखा है प्रोफेसर, क्या है ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि फ्लोरिन की ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, तो इसको प्लस सिक्स तक ऑक्सीडाइज कर सकता है, जबकि हाइड्रोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इस सल्फर को प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता बट रिड्यूस कर सकता है। तो इसीलिए ये एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं करेगा, ये चीज़ आपको लिख लीजिए। हाइड्रोजन इज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट ए स्ट्रॉन्ग बट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज टू सल्फर टू फॉर्म दिस, इसको ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता। और फ्लोरिन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। सिमिलरली आपने देखा होगा Cl5 एग्जिस्ट करता है, कभी Cl5 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, इस चीज़ को बता सकते हैं, यानी कि फ्लोरिन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है और इसकी नहीं है। ऐसे ही हम क्या कहें और भी ये सोचते हैं, जैसे BiF5 क्या करता है, इज एग्जिस्ट बट BiH5 नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्यों नहीं करता, क्योंकि फ्लोरिन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, प्लस फाइव तक ऑक्सीडाइज कर सकता है, प्लस फाइव ऑक्सीडाइज, जबकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा नहीं है तो इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, इसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा। रीजन यही जो मैंने पॉइंट में लिखा है वही रीजन आपको अप्लाई करना है। तो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने का मेरा टाइप जो फोर है जो मैंने बताया है, इसके अंदर पूरा रीजन और ये बात आपको समझ में आया होगा, क्लियर, आई होप सो। और ये दूसरे एग्जाम्पल भी सिमिलर समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप फाइव, जो हमारा आखिरी टाइप है, हम टाइप फाइव कह सकते हैं, यानी कुछ कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं और एग्जिस्ट नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, क्यों करते हैं, का आखिरी क्लासिफिकेशन टाइप फाइव। द एग्जिस्टेंस ऑफ हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन द स्मॉल साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम ऑफ द कॉम्प्लेक्स और देयर एंड देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दे के बताया है आपको, वो एग्जाम्पल को ध्यान से देखें, उस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखें क्या है। जैसे मैंने बताया SiF6 इज एग्जिस्ट बट या वेयर एज SiCl इज नॉट एग्जिस्ट,
इसका रीजन है कि यानी कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो एस आई के साथ, जो एस आई के अराउंड, तो हमारे इसके एस आई के अराउंड 6 जो एटम है आसानी से अरेंज कर सकते हैं, आसानी से अरेंज कर सकते हैं। किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी कि जैसे सपोज आपको मैं बता दूं कि जैसे ये इसका साइज है, कुछ बड़ा साइज है और ये छोटे छोटे हैं, यानी कि ये छोटा सा फ्लोरीन, ये छोटा सा फ्लोरीन और ये छोटा सा फ्लोरीन और ये छोटा सा फ्लोरीन और ये ऐसे ऑक्टेनली सपोज अरेंज हो रहा है, तो ऐसे अटैच हो सकते हैं। अब ये हमारा ये है, और यहाँ सी एल सी एल सी एल सी एल, ये बड़े साइज के हैं। तो अब इसके अराउंड 6 Cl को अरेंज करना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो इसके साइज, बॉन्डेड एटम के साइज बड़े होने की वजह से, इसका साइज छोटे होने की वजह से, इसके अराउंड 6 क्या नहीं हो सकते, Cl अरेंज नहीं हो सकते। इसके अराउंड फ्लोरिन साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, अरेंज हो सकते हैं। तो ये एडजस्ट करेगा, ये एडजस्ट नहीं करेगा। तो जो हाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयनिक स्पीसीज होती हैं, उनको एडजस्ट करने के लिए जो हमारे बॉन्डेड एटम हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज छोटे होने चाहिए, ठीक है। जिसके अराउंड वो 6 हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड के लिए क्या कर सकें, एग्जिस्ट कर सकें। तो देखो मैंने दो तरीके के रीजन बताए, एक तो यही बताया जो मैंने साइज छोटा कैन नॉट अरेंज अराउंड एटमोलॉजी अराउंड, ठीक है। दूसरा हमने बताया है कि उनकी जो बॉन्ड साइज छोटे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और उनके जो जो उनके जो लोन पेयर हैं, जो हमारा हम देखेंगे इसका +4 यहाँ पर, +4 यहाँ पर, तो इनके जो लोन पेयर डेंसिटी साइज बढ़े तो रिपेयर करेंगे, इनके भी लोन पेयर रिपेयर करेंगे, तो उससे क्या होगा, इनके एग्जिस्ट होने की यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसके अराउंड 6 Cl अरेंज होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी और यहाँ ज़्यादा होगी। तो ये भी मेरा एक टाइप है, क्लासिफिकेशन है, आपको ये समझ में आया होगा, आई होप, क्लियर। तो ये टाइप 5 का टाइप था। तो ये कंपाउंड की स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, एग्जिस्टेंस, इस टाइप को जानने के लिए जो मैंने बताया, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी किस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है, किस तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इस चीज़ को समझाने के लिए जो मैंने कोशिश की है, आपको बताया है, आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये मेरा आज का टॉपिक था, कंपाउंड की स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी पर बताने के लिए कि किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, किन पर नहीं, आई होप आपको समझ में आया। वीडियो क्लोज करने से पहले आपसे फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो सकें, उनके ये डाउट हैं वो क्लियर हो सकें। ये कंपाउंड कहें कि कोर्स का है, कोर्स का भी है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेसिक्स को समझने के लिए। जिनको कहते हैं ना केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, इनको बेसिक समझ में नहीं आते, तो ऐसे वीडियो जैसे कंपाउंड की स्टेबिलिटी, ज्योमेट्री ग्रो करना, मैंने ऐसे बहुत सारे कम डाल रहा हूँ, मैं डालता रहूँगा वीडियो, अगर आप मोटिवेट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जो कंपटीशन में, जो आपको बड़ी बड़ी कोचिंग में कराया जाता है, ये चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।